जिला अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक सामने आई है। यहां बीती रात एक नवजात के चोरी जाने का मामला सामने आया है। बच्चा चोरी जाने की वारदात के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। रात भर बच्चा तलाशने के बाद भी नहीं मिलने पर सुबह नाराज परिजनों ने हंगामा भी किया। परिजनों ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गोगांव तहसील के ग्राम पिपलाई निवासी संदीप ने बताया कि उनकी पत्नी नेहा बारेला को बमनाला में प्रसव हुआ था। पत्नी की तबीयत खराब होने से बमनाला से खरगोन रविवार को रेफर किया। यहां उपचार के दौरान शुक्रवार रात करीब 1 बजे मां सहित परिजनों की नींद की झपकी लग गई। वार्ड में भर्ती अन्य बच्चों के रोने की आवाज़ सुन जब मां की नींद खुली तो उनका बच्चा पलंग से गायब था। SDM मिलिंद ढोके ने बताया, बच्चा चोरी जाने की घटना गंभीर है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध नजर आया है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। जागरानी कर रहे थे तो ऐसा भी है कि अब अस्पताल में गार्ड भी होना चाहिए या नर्स स्टाफ भी होना चाहिए कि देख रेख कर ले कि कोई मतलब आते हैं तो मतलब हम उनकी ड्यूटी क्या रहती है कि देख रेख करना है कि भाई किसका बच्चा है क्या नहीं है। आप लोग नाइट ड्यूटी कर रहे दिन वाले दिन की ड्यूटी करते हैं। नाइट ड्यूटी वालों का भी फर्ज बनता है कि ये इनका बच्चा है तो ये दूसरा कौन ले जा रहा है। भाई ले जाता हो तो यहाँ अभी ये पता नहीं चल रहा है कि इनके CCTV कैमरे जो लगे हुए हैं वो चालू है कि बंद है कि अभी तो फुटेज नहीं बता रहे हैं। उसमें लापरवाही है ना तो कैमरे बंद है कि चालू है ये तो कोई बता नहीं रहा है। तो कैमरे बंद चालू है तो वो बताए हमको। तो आप रहने वाले कहाँ के? मैं भिकनगांव का रहने वाला हूँ। कौन सा गाँव? प्रापर में भिकनगांव पिपलिया पंचायत मांझा फलिया का रहने वाला हूँ। और लड़की कहाँ रहती? घटना तो ये हुई है रात में, जैसे बच्चे को दूध पिलाया 1 बजे समथिंग, 1 बजे दूध पिलाया तो उसको सुला दिया। तो हम लोग भी 3-4 दिन से जगे हुए थे तो बेड पे बच्चा लेटा हुआ था, हम भी आसपास सो गए थे वहाँ पे। तो रात को कम से कम मतलब 1 के बाद में जैसे ही मतलब वार्ड में कोई दूसरा बच्चा रोया तो मतलब हमने सोचा कि हमारा बच्चा रोया तो मतलब वो बेड पे जैसे हाथ लगा के देखा तो बच्चा गायब था वहाँ से। कितने बजे घटना थी? ये करीब 1:15 बजे की, मतलब हमको तो 1:15 बजे के मतलब ध्यान नहीं है, कम से कम 1:30 बज रही होगी शायद मेरे ख्याल से। 10 मिनट का फर्क था उसमें, 1:30 बजे की बात है ये। डिलीवरी कब हुई थी? डिलीवरी कब हुई थी? डिलीवरी तो जैसे बमदाला से मतलब रेफर करा हुआ था, डिलीवरी वहाँ हो गई थी बमदाला से। तो थोड़ा खून की कमी, मेरी लड़की है जो खून की कमी बता के उनको भी भर्ती की यहाँ पे। भर्ती करने के बाद में तो बच्चे को आईसीयू में रखा। तो शिकायत की आपने? हाँ, शिकायत की आपने इसकी यहाँ पर हॉस्पिटल में? क्या शिकायत की आपने? रात में? हाँ, रात में हमने जो यहाँ गार्ड है उससे शिकायत करी थी कि मन का हमारे यहाँ से बच्चा बेड पे से गायब हो गया है। तो वहाँ से फिर पूछने के बाद में जो आसपास हमने सब दूर देख लिया कि बच्चा कहीं नहीं मिला है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि वो जो पार्किंग वाला है उससे पूछा तो बोले कि हाँ भैया एक भाई आई थी तो कुछ हाथ में से छुपा के ले जा रही है बोले। तो बोले किधर गई? तो बोले वो इस तरफ गई बोले। हम उधर देखने भी गए तो वो नहीं मिली। तो जैसे यहाँ जो गार्ड है उसको हमने शिकायत कर दी तो उन्हें तुरंत थाने पे फ़ोन करा तो साहब भी उधर से आए, सब उनको स्टाफ लेके आए, उन्होंने भी जांच पड़ताल करी। क्या नाम है आपका? अरे मेरा नाम रठान है। हाँ, रात की घटना ये पता हुई है। कोई नेहा पति संदीप करके 23 साल की युवती है, बमनाला तरफ की पिपलिया तरफ के गांव, उसके बच्चा चोरी होने की घटना हुई है। तो उसके लिए पूरा पुलिस लगा हुआ है, वो
और सीसीटीवी खंगाल के देख रहे हैं, कोई संदिग्ध दिख भी रहा है तो उसमें आगे कार्रवाई चल रही है, जैसे वो पकड़ में आता है तो अवगत करा। इतना बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ मेटर्निटी महिलाएं आती है, अंदर बहुत ही हाँ तो, सुरक्षा की व्यवस्था के दृष्टि से भी देखते हैं क्या बेहतर व्यवस्था हो सकती है, सुरक्षा आवश्यक भी है उसके लिए भी बेहतर कार्रवाई करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।